देश और दुनिया में अपनी शायरी के लिए मशहूर मुनव्वर राणा अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। बताया जा रहा है कि वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके बाद रविवार देर शाम उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया भी जा रहा है कि लखनऊ के SGPGI हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, काफी वक्त से बीमार थे, डॉक्टर्स निमोनिया का इलाज कर रहे थे, लेकिन उनकी मौत की वजह हार्ट डिजीज और कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। उनके निधन की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने की है। आपको बता दें, 71 साल के मुनव्वर राणा न सिर्फ अपनी आवाज बल्कि अपनी शायरी के लिए पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध थे और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उन्हें याद कर रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि शायरी के साथ साथ मुनव्वर राणा का नाता विवादों से भी रहा है। एक से बढ़कर एक ऐसे विवादित बयान उनके नाम रहे हैं जिन्होंने उन्हें हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में रखा। मुनव्वर राणा जैसे ही ये नाम सामने आता है उनकी कई शायरियां याद आती हैं, जिनमें से खासकर माँ पर लिखी हुई उनकी शायरियां मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ साथ वो कुछ ऐसी बातें कहा करते थे जिससे सियासत में भूचाल आ जाया करता था। क्या आपको याद है जब उन्होंने बयान दिया था कि संसद गिराकर खेत बना दो? दरअसल मुनव्वर राणा ने अपनी शायरी के जरिए ये तंज कसा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहाँ कुछ खेत बना दो। अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो। मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूँ, गर्दन को उड़ाओ मुझे या जिंदा जला दो। इस शेर के बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने इस शेर को डिलीट कर दिया था। इसके अलावा 2020 में आपको याद होगा फ्रांस में कार्टून विवाद हुआ था, जिसमें एक महिला टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। सोचिए, जहां इस पूरे हत्याकांड के बाद देश और दुनिया में बवाल मचा था, उस वक्त मुनव्वर राणा इसे सही ठहराते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि आपका मजहब आपकी माँ की तरह होता है और ऐसे में मुसलमानों को टारगेट करके चिढ़ाना गलत है। किसी को भी इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो कत्ल करने पर मजबूर हो जाए। इसके अलावा आपको याद होगा जब यूपी में CAA NRC प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त भी राणा का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब उन्हें उत्तर प्रदेश में रहने से डर लगने लगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पर की गई उनकी टिप्पणी भी खूब चर्चा में रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जस्टिन रंजन गोगोई ने पक्षपात किया है, अयोध्या में विवादित जमीन पर फैसला सुनाए जाने में उन्होंने हिंदुओं का पक्ष लिया है। शायद इसीलिए मुनव्वर राणा के जाने के बाद अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ लोग उनकी शायरियों को याद कर रहे हैं, एक बेहद प्रसिद्ध उर्दू शायर के जाने का गम मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सारे विवादित बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। फिलहाल उम्मीद यही करते हैं, दुआ यही करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को भगवान शक्ति दे कि वो इस दुख से उबर सकें।